तुम पास आए सड़े फूल लाए, तुमने न जाने कितने मच्छर फैलाए। अब तो मेरा दिल नहाने को करता है, क्या करूं हाय लक्स महंगा पड़ता है। तो भाई लोग इसी बात पे फटाफट से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो ताकि मेरे पास लक्स कोजी खरीद लक्स कोजी तो चड्डी होती है लक्स खरीदने के पैसे आ जाएं। साबुन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। अब ये बताओ कि तुम लोगों का रैंक पुश कैसा चल रहा है, अगर कर रहे हो तो फटाफट से नीचे कमेंट करके कर दो। मैं स्टार्टिंग में रैंक पुश कर रहा था, मैंने बहुत ही बढ़िया किलविल कर ली है, पर जैसे ही मैं क्राउन पे आया ना भाई, बंदे मेरे को टपाटप मारने लग गए हैं। तो ये भैया इसमें 20 किल होने वाले हैं, टेंशन मत लो। और ये बन गए हम विक्टर, और ये विक्टर देखो क्या ही सेक्सी किरदार है यार इस गेम का, सबसे ज्यादा सेक्सी। अब विक्टर की जो माया है ऐसे किल करता है ना, भाग भाग के बंदों को मारता है, क्या ही बताऊं। चला रहा मैं हूं हालांकि, यहाँ पे मेरा एक टीममेट नॉक हो गया, मैंने फटाफट से रिवाइव दिया। अंदर जाके जैसे ही मैंने नेड की पिन खींची, बंदा पीछे चला गया, मैं ऊपर आके उसके पीछे नेड कर दिया। पिछवाड़ा उसका ऐसा फटा ना कि क्या ही बताऊं मैं। और यहाँ पे तुम देखो किल चुराने की निंजा टेक्निक, भैया आगे फाइट चल रही थी, दो पता नहीं किसके नॉक पड़े थे, मैंने दोनों को एक ही स्प्रे में डाल दिया कि मेरे मतलब मार दिया भाई। अच्छा नीचे कमेंट करके ये बताओ कि तुम लोगों में से पानी पूरी कितने लोगों को पसंद है। और पानी पूरी से याद आया भाई, पानी पूरी वाला जो इंसान होता है ना, जो बेच रहा होता है, वो सबसे सख्त लौंडा होता है। लड़कियां कितनी भी स्माइल कर दे वो गिनती नहीं भूलता भाई। ये पानी पूरी के चक्कर में तो भैया बंदे ने मेरे को नॉक कर दिया, और यहाँ पे अरे इसको भी नॉक कर दिया। बहुत बढ़िया खेले भाई, बहुत बढ़िया खेले। आओ फटाफट से रिवाइव करो। अब देखो यहाँ सामने वाली बिल्डिंग पे बंदे थे, मैंने पूरा मतलब एक बंदे को नॉक पड़ा था, उसको पूरा फिनिश डाल दिया और एक किल मेरे को मिल गया, और दूसरे बंदे को भी मैंने नॉक दे दिया। उसके बाद लास्ट वाला बंदा उनको रिवाइव देने के लिए जा ही रहा था ऊपर कि मैंने इसको डैमेज देने की कोशिश करी, फिर मेरे को आगे गुस्सा, मैंने कहा भाई आगे जाना पड़ेगा, इस बंदे को भी नॉक कर दिया। मतलब एक किल दो नॉक, अब बचा एक ही बंदा लास्ट वाला। अच्छा जो लोग भैया मेरे चैनल के नीचे मेरी वीडियोस के नीचे बुरे बुरे कमेंट करते हैं, उनसे एक सवाल पूछना था कि अगर तुम्हारी एज 15 साल माइनस कर दी जाए तो कितनी बचेगी। मुझे पूरा यकीन है भाई कुछ लोग तो पैदा भी नहीं हुए होंगे। अच्छा पैदा से याद आया, कल मेरे पापा मेरे को बोलते हैं कि यार ये तेरे जो अमीरों वाले शौक है ना ये बंद कर दे। मैंने बोला पापा अमीरों वाले शौक लेके मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होने वाला स्वैग अलग है। अरे यार रुको एक सेकंड, हेडफोन पहनने में दर्द हो रहा है। तो भैया स्क्वाडोस में थे बंदे और मैंने यहाँ पे एंगल बना के सीढ़ियों पे जो बंदा था ना उसको कर दिया नॉक। उसके बाद भैया ऑब्वियसली टीममेट को रिवाइव देना था, डायरेक्टली ऊपर जा नहीं सकते थे क्योंकि अभी तो हम यहाँ पे दो ही थे, बट थोड़ी देर में मेरे टीममेट्स बाकी के भी पहुंच गए धीरे धीरे करके। फिर देखो इनका ऊपर वालों का क्या हाल होता है। तो गाइज यहाँ पे कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैंने पूरी सिचुएशन संभाल ली है, बस एक ही बार मैं नीचे गिर गया था गलती से, बाकी सब तो कंट्रोल में था। वैसे तुम लोग बोलते रहते हो कार्स पे भी वीडियो बनाओ, तो मैं बता दूं मेरे कार्स पे पहले से बहुत ही ज्यादा बेटर हो चुके हैं। और मेरे कार कोई बंदा अगर कार में बैठ के आता है ना तो वो वाले स्प्रे मेरे ज्यादा बेटर हो गए हैं, बग्गी पे इतना ज्यादा मैं सीख रहा हूँ अभी थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे सामने वाले घर पे थे बंदे, अब मैं थोड़ी देर तक तो यार स्प्रे वगैरह मार रहा था, फिर मैं हो गया बोर, फिर मैं गाड़ी में बैठ के टीममेट्स को बोला चलो यार डायरेक्टली पुश करते हैं, और हमने डायरेक्टली पुश कर दिया। और यहाँ पे ये बंदे लिटरली हमें मारने के लिए बाहर निकल रहे थे एक एक करके, और हमने इनको यहीं पे मार दिया। अब ऊपर भी एक बंदा बैठा हुआ था, ऊपर जाए तो जाए कौन भाई, ऊपर वाला बंदा नेड मौली पता नहीं क्या क्या कर रहा था, और ऊपर चढ़ने नहीं दिया हमें। फिर मैंने लास्ट में दिमाग लगाया अपना जो कि मेरे में कम है थोड़ा सा, मैंने बाहर जाके नेड करने की सोची, और इतनी देर में वो बंदा कूद गया तो मैंने इसको नॉक कर दिया और इनको फिनिश कर दिया यहाँ पे। अब इस चैनल पे क्या है, मैं काफ़ी टाइम पहले ना एक अनाउंसमेंट करना चाहता था, वो ये है कि अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड होती ना तो मैं 13 प्रो मैक्स गिफ्ट करता। खैर अब जाने दो यार ये सब बातें, क्या फ़ायदा इन सब का। अब देखो मुझे दिखाई देते हैं यहाँ पे बंदे, मेरे सामने बंदे थे, तो मैंने बोला अपने टीममेट्स को भाई मेरे सामने बंदे, मैंने गाड़ी रोक के तुरंत एक बंदे को यहाँ पे नॉक किया, और ये इधर उधर भाग रहे थे, मैंने पेड़ों में से नॉक कर दिया क्योंकि ऑलरेडी लो था। उसके बाद मैंने सोचा भाई पुश कर देते हैं, अब विक्टर दादा तो यार मतलब एग्रेसिव खेलते हैं थोड़ा सा, एग्रेसिव खेलने के चक्कर में ना यहाँ पे मुंह की खानी पड़ी, मैं नॉक हो गया। नॉक होने के बाद मुझे रिवाइव मिलता है, उसके बाद मैं दोबारा पुश करता हूँ, देखो क्या होता है।
इन सभी को मारने के बाद मेरे कुछ लालची दोस्त सीधा ड्रॉप पे ले आते हैं और मेरे को ड्रॉप लूटने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, इसलिए मैं तो उतरता भी नहीं हूँ यहाँ पे। और मैं सामने देख रहा था कि भाई कुछ बंदे मार रहे हैं और इनको बोल रहा हूँ कि भाई निकलो यहाँ से फटाफट, बरिए कोई आता नहीं। और गाड़ी की है हमारी बैंड बजा देते हैं, लाल कर देते हैं, धुआं निकाल के मतलब फोड़ ही देते हैं। अब क्या ही बोलूँ इससे ज़्यादा, अब यहाँ पे काइंड ऑफ हम स्टक हो जाते हैं, हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। मैं सामने वाले बंदे को सारी एक भी गोली कनेक्ट नहीं हुई, ऐसे कैसे हो सकता है, दोबारा देखने दो। अरे एक भी गोली कनेक्ट नहीं हुई। खैर इसके बारे में कोई भी कमेंट्स में बात नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पे मेरा दोस्त बग्गी लेके आ जाता है, मैं बग्गी में बैठ के पूरा का पूरा पीछे फ्लैंक कर देता हूँ। और यहाँ पे आने के बाद देखो सीन क्या होता है। आई गो, गोली लगी रे। तो भाई पता नहीं लास्ट गोली मेरी कहाँ से कनेक्ट हो जाती है, बट मेरे हो जाते हैं यहाँ पे पूरे 20 किल। और अगर आपको विक्टर का ये गेम प्ले पसंद आया तो नीचे कमेंट करके बताना कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया हो, और मैंने जो भी पूछा था इस वीडियो में उसका जवाब मुझे मिल जाना चाहिए। तो या मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड आई एम साइनिंग ऑफ।